हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने एमएससी किया है, पीजी डिग्री आपके पास है, तो आप जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला जो ये नोटिफिकेशन ये आईसीएमआर का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च है वहां से आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है वो वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर कॉन्टेक्चुअल बेसिस। तो ये जो आप यहाँ पे वैकेंसी, ये प्योरली कॉन्टेक्चुअल बेस पे या टेम्परेरी है। ठीक है, अब जो वैकेंसी ये रहेंगी, इट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ इन द प्रोजेक्ट फॉर 3 डिफरेंट एनआईएमआर फील्ड सीट इन इंडिया। तो देखिए, इन्होंने प्रोजेक्ट जो वो मेंशन कर रखा है, तो मॉनिटरिंग द एफिकेसी ऑफ एसीटी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया इन इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने देखिए प्रोजेक्ट भी मेंशन कर रखा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आप जो है कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पीआई का नाम भी मेंशन किया रखा है। तो पीआई है डॉक्टर अनूप अन्विकार, साइंटिस्ट एफ। तो हम बात कर लेते हैं नेम और पोस्ट की। तो पहली पोस्ट है वो रिसर्च असिस्टेंट की है, और जो इसमें नंबर पोस्ट है वो 1 है। और यहाँ पे सैलरी देखिए इन्होंने पहले ही से जो मेंशन कर रखी है, तो यहाँ पे आपको 29,565 रुपीज जो है सैलरी मिलेगी। और जब बात करेगा विशेषज्ञ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा साइंस में अगर आपके पास है, विद एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करें अगर हम यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे अप टू 30 ईयर जो है एज लिमिट यहाँ मेंशन कर रखी है। वही बात करें लैब टेक्नीशियन की, तो यहाँ पे 1 पोस्ट है, फिक्स एमोलूमेंट है 17,520। तो यहाँ पे 12th पास होना चाहिए आपका, कोई भी DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे जो डेट है वो जो एज है वो 30 ईयर्स मेंशन कर ही रखी है। नेक्स्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, इसकी जो पोस्ट है 1 है, और जो एमोलूमेंट आपको मिलेगा 15,330। और यहाँ पे हाई स्कूल और इक्विवेलेंट जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और जो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है। फॉर निमरू FU बैंगलोर, यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है रिसर्च एसोसिएट असिस्टेंट के लिए 1, और यहाँ पर भी जो एमोलूमेंट है सैलरी वो सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, और एज लिमिट भी सेम है। देखिए तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो फॉर NIMR FU नाडियाड में निकाला गया है, दूसरा जो रिसर्च असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो है NIMR FU बैंगलोर में निकाली है, जो कि मैंगलोर में है, और तीसरा जो है वो NIMR FU रायपुर में है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो NIMR के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो देखिए NIMR FU रायपुर में भी जो है सेम वैकेंसी निकली है, रिसर्च असिस्टेंट के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, और मल्टी स्टाकिंग जो स्टाफ के लिए। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है और जो फिक्स सैलरी है, जो क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, वो सेम है सारे इंस्टीट्यूट में NIMR के। तो अब बात कर लेते हैं वॉक इन इंटरव्यू। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू देना है और पर्सनल डिस्कशन। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम है वो 5 नवंबर 2020 है, फ्रॉम 9 to 11 AM फॉर NIMR FU एड्रेस टू ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट मलेरिया रिसर्च फील्ड, यूनिट 1st फ्लोर, निर्मल भवन, ICMR कॉम्प्लेक्स, पूजनहल्ली, कन्नामंगला पोस्ट, देवानहल्ली, तालुक बेंगलुरु। तो देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं NIMR के, वहाँ पे देखिए अगर बेंगलुरु की बात की, तो वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होगा 5 नवंबर को 9 to 11 AM होगा। वहीं अगर बात करें रायपुर के NIMR इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट या टाइम इंटरव्यू का वो रहेगा 4 नवंबर 2020 फ्रॉम 9 AM to 11 AM। वहीं अगर बात कर रहे हैं गुजरात में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो आपका जो वॉक इन इंटरव्यू का टाइम रहेगा वो रहेगा 3 नवंबर 2020 को फ्रॉम 9 AM to 11 AM। अब देखिए अगर टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे मेंशन की जा रखी है, तो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट कैन अपियर फॉर वॉक इन इंटरव्यू और पर्सनल डिस्कशन ऑन द डेट मेंशन। तो आपको अगर आप इंटरेस्टेड है इनमें एक्सपीरियंस लाइक गेन करने के लिए, तो आप डायरेक्टली जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आपको अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो सारे लेके जाने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या नेटगेट आपने क्वालिफाई किया है तो वो भी आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मेंशन करी जा रही थी मैंने ऑलरेडी आपके बाद बता दिया है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सब सर्टिफिकेट भी आपको ले जाने हैं, तो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है।
देखिए, और अगर जो पार्टिकुलर डेट यहाँ मेंशन कर रखी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसी टाइम आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप किसी और डेट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई इंटरव्यू देने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट लाइक प्रिकॉशंस भी लेने के लिए बोले हैं। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको फेस कवर, वेयरिंग ऑफ फेस कवर इज कंपलसरी। स्पीटिंग पब्लिक वर्क प्लेस शैल बी पनिशेबल। सोशल डिस्टेंस शैल बी फॉलोड। यूज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप इज मैंडेटरी। लार्ज फिजिकल गैदरिंग एट वन प्लेस शुड बी अवॉइडेड। तो देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने के इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन भी मेंशन कर रखे हैं, तो आपको ये सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।